गाड़ी कितनी नई हो या वैल्यूएबल हो, अगर उसको टाइमली मेंटेन ना किया जाए तो वो वक्त के साथ साथ पुरानी लगने लगती है। आज हमारे पास बबल्स पे 2008 की ऑडी A4 मौजूद है। ये गाड़ी हमारे कस्टमर ने रिसेंटली परचेज की है, लेकिन जो प्रीवियस ओनर थे, इट सीम्स के उन्होंने इस गाड़ी का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा और गाड़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों हवाले से काफ़ी रफ कंडीशन में है। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में डर्ट और ग्रीम की एक हैवी डिपॉजिट के अलावा गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स काफ़ी हद तक डैमेज भी हैं। हम इस डिटेलिंग के प्रोसेस में कोशिश करेंगे कि गाड़ी को एक फ्रेश लुक दे सकें, ऑल्दो इसके जो डैमेज पार्ट्स हैं वो शायद प्रॉपरली इसमें रिस्टोर ना हो सकें, लेकिन वील ट्राई टू मेक श्योर कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है आफ्टर दिस डिटेलिंग प्रोसेस वो बहुत अच्छा हो। एक्सटीरियर में गाड़ी पे काफ़ी सारे स्क्रैचेज हैं, हैवी स्वेल मार्क्स और हेयरलाइन स्क्रैचेज मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके एक्सटीरियर पे हम कंपाउंडिंग करके, लाइट सैंडिंग करके और फिर हाई ग्लॉस पॉलिश करके इसको जिस हद तक रिफ्रेश कर सकें हम उस एंड तक जाएंगे, ताकि एक्सटीरियर से भी गाड़ी एक बिल्कुल फ्रेश लुक में आए। हमने इस डिटेलिंग के साथ इन रिम्स को रिस्टोर करने की कोशिश की है, इनको बाकायदा कलर किया है और रिस्टोरेशन के बाद ये बहुत ही अच्छे लुक में आ गए और गाड़ी के ओवरऑल लुक को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस ऑडी A4 की रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन हम एट द एंड काफ़ी खुश और सेटिस्फाई हैं इस रिजल्ट को देख के जो इतनी मेहनत के बाद हमें मिला है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे फॉलो करें। आपका बहुत शुक्रिया।